तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर हमारी धरती पे बारिश ना हो तो क्या होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चले कि अगर हमारी धरती पे बारिश ना हुई तो क्या होगा। और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और जो घंटा है उसे तोड़ दीजिए ताकि मेरी न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलिए गाइस, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हम सोचते हैं कि जब भी धूप निकली होती है तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम होता है, और तब जब ही एकदम से बारिश आ जाती है तब हम इधर उधर भागने लगते हैं, और जब हम घर में होते हैं तब हम सोचते हैं कि ये बारिश कब रुकेगी, और जब ये बारिश रुक जाती है तब हम लोग कहते हैं हाँ शुक्र है ये बारिश रुक गई और धूप निकल गई। तो गाइस, क्या आपको पता है कि अगर बारिश ना हुई तो क्या क्या मुश्किलें आएगी। सबसे पहली मुश्किल तो हमें ये आएगी कि हमारा वाटर साइकिल बिल्कुल ही तहस महस हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर साइकिल हमारे समुंदर के पानी को ले जाकर हवा में जाकर बादल बनाता था वो सब कुछ बंद हो जाएगा, और जो भी वाटर साइकिल बना हुआ था वो सब तहस महस हो जाएगा। तो गाइस, आपने कभी ना कभी बारिश का पानी तो टेस्ट ही करा होगा, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि समुंदर का पानी बादलों से जब बरसता है तो उसमें बिल्कुल भी नमक क्यों नहीं होता। तो आपको बता दिया जाए कि जब समुंदर का पानी बादल के रूप में ऊपर जाता है और जो नीचे पानी गिरता है वो फिल्टर होके आता है, इसीलिए हमको बारिश का पानी बिल्कुल भी नमकीन नहीं लगता। ये हमको ऐसा लगता है जैसे कि हम अपना रूटीन का पानी ही पीते हैं जो कि साफ पानी होता है। और हमें दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये आएगी, जो पानी नदियों और ग्लेशियर से बनता था अब वो भी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब बारिश ही नहीं पड़ेगी तो वो पानी भी कैसे बनेगा। और हमारा फ्रेश वाटर बहुत ही जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान फ्रेश वाटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और अब तो बारिश होना भी बंद हो चुकी है। हम फ्रेश वाटर को कई चीज़ें करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि गाड़ी धोने के लिए, सब्जियाँ और फल धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और कई सारी चीज़ें करने के लिए हम अपना फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, जो कि दिन ब दिन अब ख़त्म ही हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही है। तो पानी की कमी की वजह से हमारी ये हरी घास कुछ ऐसी घास में बदल चुकी है। तो गाइस, जो आप सिटी का हाल फोटो में देख रहे हो वो अब हाल हमारी सिटी में भी होने वाला है, क्योंकि जब डैम में पानी ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी। और जो डैम में पानी भी आता था वो रेन का पानी ही आता था, मतलब कि बरसात का पानी ही आता था, पर जब बरसात ही बंद हो चुकी है तो लाइट भी कैसे आएगी। तो गाइस, आप सब तो सोच ही रहे होंगे, हमारी धरती पर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक माध्यम से नहीं आती, हमारी धरती पर इलेक्ट्रिसिटी और कई माध्यम से भी आती है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दी जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल और सोलर पैनल से आती है वो बिल्कुल भी फ्रीक्वेंट नहीं होती, और जो डैम की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। तो आप सबको बता दिया जाए कि इस वजह से हमारे पेड़ पौधे भी सूखने लग जाएंगे और ज़मीन पर भी ड्राउट पड़ने लग जाएंगे। तो आपको बता दिया जाए कि इस वजह से हमारे शाकाहारी जानवर भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जब उनको खाने के लिए पेड़ पौधे जैसी चीज़ ही नहीं होगी तो वो मर ही जाएंगे, जैसे कि जिराफ, डियर जैसे कई जीव। और इस वजह से हमारे मांसाहारी जानवर भी मर जाएंगे, क्योंकि जब शाकाहारी जानवर ही नहीं रहेंगे उनके खाने के लिए तो मांसाहारी जानवर क्या खाएंगे। तो इस वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। तो आप सब लोगों को बता दिया जाए कि अगले 2500 साल के बाद ये फ्रेश वाटर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी अर्थ 70% सॉल्ट वाटर से बनी हुई है, 2.5% ही पीने लायक वाटर है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि पेड़ पौधे ना रहने की वजह से हमारे यहाँ सालों में ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे हम सब इंसानों की मौत होनी तय है। तो गाइस, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है, जिसका मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, पर इसका मतलब मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये एक काल्पनिक दुनिया। तो गाइस, बारिश हमारी दुनिया में कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक भगवान का दिया हुआ वाटर साइकिल ही है जो कि हमारी धरती से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। तो गाइस, अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो जो लाइक बटन है उसे तोड़ दीजिए, और जो नीचे सब्सक्राइब है उसे दबा दीजिए, और जो घंटा है उसे फोड़ दीजिए ताकि हमारे न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए।